रिएजेंट की सीरीज में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी LAH या LiAlH4। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर हम इसे स्ट्रक्चर वे में देखें तो Li पे प्लस, AlH4 पे नेगेटिव। AlH4 टेट्राहेड्रली होता है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मैन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक वेटर रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि हमें H- प्रोड्यूस करता है। H- हाइड्राइड आयन बोलते हैं, H पे जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे बोलते हाइड्राइड आयन। तो H- जनरेटर होता है और जब माइनस है तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। मैन फंक्शन ये आता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक वेटर रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4 के भी कंपेयर में, तो ये कहां कहां काम कर सकता है, किसे किसे रिड्यूस कर सकता है। अगर कोई भी पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और पोलर का मतलब है जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन, तो इसे बोलते हैं पोलर मल्टीपल बॉन्ड। तो ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है। बट जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एन सेम के बीच में डबल या ट्रिपल हो, तो इसे बोलते हैं नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड। तो नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करेगा। हां, अगर नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, बट अगर वो नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, मतलब किसी के अल्टरनेट में, जैसे डबल सिंगल डबल, तो फिर ये उसे भी रिड्यूस कर देगा। तो जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो उसे बोलते आइसोलेटेड नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड, और जिसमें कॉन्जुगेशन हो तो उसे नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। तो ये इसे तो रिड्यूस कर देगा, बट अगर डबल बॉन्ड सेपरेट है, कोई कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो उसे रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो डबल या ट्रिपल को रिड्यूस नहीं करता है जब डबल ट्रिपल कॉन्जुगेशन में अगर नहीं होते हैं। तो अब बात आती है कि किसे किसे रिड्यूस कर देता है, जैसे कार्बोक्जिलिक एसिड को, एसिड हैलाइड को, ईस्टर को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, ये रिड्यूस करके एल्कोहल बनाता है, जबकि एजाइड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, नाइट्रो है, आइसोसाइनेट है, एमाइड है, इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करके इनमें से कोई भी हो उसे एमीन में कन्वर्ट करता है। वो 1 डिग्री 2 डिग्री वो हम लोग देखेंगे, और इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा बनता है वो हम लोग चेक करेंगे। मेन चीज ये ऐसे एल्क, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्केल हैलाइड है तो उसे LiAlH4 कन्वर्ट करेगा एल्केन में, 1 और 2 को करता है एल्केन में, और 3 डिग्री एल्केल हैलाइड तो उसे एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। फंक्शन कैसे काम करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, सपोज कोई एक कीटोन है RCOR-, इस पे जब LiAlH4 के रिएक्शन कराएंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में Li पे पॉजिटिव और AlH4 पे नेगेटिव, इसमें टूटेगा। अब LiAlH4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AlH3H और एक नेगेटिव। अब ये चूंकि LiAlH4 हमें क्या देता, H नेगेटिव, तो यहां से एक H माइनस हमने अलग कर दिया, और ये हम लिख सकते, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूक्लाई योजक का एक AlH3 लिख सकते, तो यहां से हमें मिल गया H माइनस। अब यही H माइनस इस कार्बन जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर अटैक करेगा क्योंकि इस पर नेगेटिव है। तो एल्डिहाइड कीटोन अच्छे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इसके, तो जब ये बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो सी पे आएगा पॉजिटिव और इधर आएगा डेल नेगेटिव या पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, तो ये एच नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो एच जुड़ गया और ओ से जुड़ जाएगा। अब देखो ओ से ये जुड़ जाएगा AlH3, तो ओ अपने लोन पेयर जब इसे देगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि Al 3 बॉन्ड बनाता है, यहां 4 बॉन्ड बन रहा है, तो एक नेगेटिव आ गया। तो H इस कार्बन से जुड़ा और AlH3 इस ऑक्सीजन से। अभी देखो अभी भी एल्यूमिनियम के पास 3 H और है, टोटल मिला के ये 4 हाइड्राइड आयन दे सकता है, तो एक ने तो कंबाइंड कर लिया, अब 3 H और है, तो इसका मतलब अगर हम 3 एसीटोन और कीटोन लगा दें तो ये वही सिस्टम होगा कि H यहां कार्बन पे जुड़ेगा और O से जुड़ेगा AlH2। फिर तो हमने डायरेक्ट 3 के रिएक्शन करा दी, तो ये तीनों H इस कार्बन पे जब जुड़ेंगे तो बन जाएगा RRCH, जैसा ये था 3 और ऐसे ही आ जाएंगे, तो हो जाएगा होल 4 और बचा अकेला Al, अब अकेला Al नेगेटिव।
अब उसके बाद क्या करना है, इसकी करवानी है हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। तो हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर मिल जाएगा H, तो ये H पॉजिटिव इससे जुड़ गया और बन गया एल्कोहल, और एल्कोहल के यानी 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 मोल LiLH4 का हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वो 4 मॉलिक्यूल 4 मोल कीटोन को रिड्यूस कर देगा। तो ये सिंपल वे हो गया इसका। मेन चीज ये है, आप लोगों ने देखा कि LiLH4 ने हमें H माइनस दिया, जबकि हमने हाइड्रोलिसिस की है उससे हमें H प्लस मिला है। तो H प्लस आता है मीडियम से, हाइड्रोलिसिस से, जबकि H माइनस आता है LiLH4 से। तो मेन चीज है, फर्स्ट स्टेप हमें हमेशा H नेगेटिव देता है और मीडियम हमेशा H पॉजिटिव देता है, इस बात को ध्यान रखना। अब बात आती है इसमें, अब एक सिंपल वे रिडक्शन का हम सिंपल वे बताया दे रहा है कि रिडक्शन हमेशा जब भी किया करो तो दो चीजें थोड़ा कॉमन रिडक्शन की प्रोसेस हम बताया दे रहा है। एक शॉर्ट ट्रिक है, CO की अगर साइड से बगल में जेड लगा हो, जेड इक्वल टू OH लगा, चाहे CL चाहे OR चाहे OCOR, तो हमेशा बॉन्ड पहले ये वाला तोड़ा करो, ये वाला ही तोड़ के फर्स्ट, पहले बॉन्ड ये तोड़ के ये जेड प्लस, जेड पे नेगेटिव अलग और इस पे पॉजिटिव दे दिया करो। तो पहले बॉन्ड ये तोड़ना है फर्स्ट, ध्यान रखना ये वाला बॉन्ड पहले तोड़ना है। अगर CO के बगल में C लगा हो या CO के बगल में H लगा हो, CO के बगल में C या H लगा हो तो बॉन्ड पहले ये वाला तोड़ना है और C पे प्लस और O पे नेगेटिव देना है। अगर CO के साइड में C और H के अलावा कुछ भी लगाओ, सपोज जेड लगाओ, तो बॉन्ड पहले ये तोड़ना है, और अगर CO के बगल में C या H लगाओ तो बॉन्ड पहले ये तोड़ना है। अब जैसे जैसे CO के साइड में बगल में C नहीं लगा, ना C है ना H है, देखो इधर C के बगल में H लगा, यहां CO के बगल में C लगा, यहां CO के बगल में H और C के अलावा क्या लगा, OH। तो अगर जैसे CO के बगल में CL लगा, तो CL लगा तो बॉन्ड पहले ये तोड़ोगे, तो 2H रिडक्शन कर रहा है, तो एक एच इधर ये बन गया C डबल बॉन्ड और ये यहां H जुड़ जाएगा तो H हो गया। अब CO के बगल में आ गया H, तो अब बॉन्ड ये टूटेगा, तो एक एच इधर एडिशन हो जाएगा, तो एक एच इधर दे दिया, तो क्या बन गया CH3, ये CH2 सिंगल बॉन्ड OH, एल्कोहल बन गया 1 डिग्री। मान लो CO के बगल में OH है तो पहले बॉन्ड ये टूटेगा, तो इधर H दिया इधर H, तो ये बन गया CH3C OH, एल्डिहाइड बन गया। अब बॉन्ड कौन सा टूटेगा, अब CO के बगल में आ गया H, अब बॉन्ड ये टूटेगा, तो पहले H इधर दिया, एक H इधर दिया, ये सिंगल बॉन्ड बचेगा, तो बन गया CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो सीधी बात है, कार्बोक्जिलिक एसिड से 1 डिग्री एल्कोहल ऐसे बनता है और COCl से 1 डिग्री ऐसे बनता है। अब जैसे ये CHO है तो CO के बगल में H है, तो बॉन्ड अब ये तोड़ेंगे, ये नहीं तोड़ेंगे, अब यही तोड़ देंगे, H इधर, तो बन गया CH3CH2OH। अब जैसे CO के बगल में C है तो C और H वाले में पहले ये तोड़ना है, और C और H के अलावा अगर कुछ बॉन्ड है तो पहले ये तोड़ना है, तो ये हम बॉन्ड यही तोड़ेंगे, तो H इधर दिया, एक H इधर, और ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री। तो सिंपल तरीके से ऐसे। अब LiLH4 का अगर कभी भी रिएक्शन समझ में ना आए तो ऐसे ही तोड़ के कर लिया करो। मेन वे में काम कैसे करता है, किसे किसे रिड्यूस कर देगा, देखो LiLH4 के साथ ईथर का यूज करते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस बना लेता है, तो पहले ईथर में इसे डिजोल्व करके उसके बाद मीडियम से हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो पूरा स्टेप में LiLH4 के साथ ईथर या THF का यूज कर सकते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस से इसका मीडियम बनेगा। तो पहले एसिड में हमने बताया था एसिड को रिड्यूस कर देगा, वही चीज है कि पहले बॉन्ड ये तोड़ना, HS देके एल्डिहाइड बनेगा, फिर ये तोड़ना, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता, तो COOH को CH2OH में कन्वर्ट कर देता। COCl है, वही प्रोसेस है, 1 डिग्री एल्कोहल ही बनेगा। ईस्टर है, तो देखो CO के बगल में O लगा तो बॉन्ड यही तोड़ना है पहले पूरी प्रोसेस से, सो इधर एक H, एक इधर H, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड में फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ देना, फिर वही एल्कोहल बन जाएगा, तो ये भी 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एक पार्ट ये भी साइड में साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा CH3CH2OH। अब एल्डिहाइड है तो बॉन्ड ये वाला तोड़ना है, देखो सी के बगल में एच लगा तो बॉन्ड ये तोड़ेंगे, एक एच इधर, तो LiLH4 जब काम करेगा तो LiLH4 ईथर में ले लेंगे, तो फंक्शन वैसे ही काम करेगा, यहां से एच माइनस इधर जुड़ेगा और मीडियम से एच प्लस इधर जुड़ेगा,
और तो बन जाएगा सी एस थ्री सी एस टू ओ एच। कीटोन है जैसे, तो यहां पर देखो सीओ के बगल में सी लगा तो बॉन्ड ये टूटेगा, तो एक एच इधर, तो ये बन जाएगा सी एस सी सी एच सी एच ओ एच। लेकिन जो एच माइनस है वो इससे ही जुड़ेगा हमेशा, और जो एच प्लस है वो ओ से जुड़ता है। जैसे मान लो एल आई ए एल एच फोर की जगह पे हमने ड्यूटेरियम ले लिया, तो ड्यूटेरियम से हमें डी मिलेगा, तो डी का एस डी निगेटिव का एस जुड़ेगा सी से, और जो मीडियम से एच है वो ओ से जाएगा। अब तो देख रहे हैं कि अगर चाहे एसिड हो चाहे एसिड के डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड है, ईस्टर है, एमाइड अभी यहां नहीं लिया है, एनाइडाइड हो, ये 1 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं, जबकि कीटोन 2 डिग्री एल्कोहल बना रहा। अब बात आती है साइनाइड की, नाइट्राइल की। देखो सीएन है, सीएन पे एलआईएल एच फोर लगा होते तो इसे सी एच टू एन एच टू में कन्वर्ट कर देता है, इसे बोलते 1 डिग्री एमीन। जबकि आइसोसाइनाइड में 2 डिग्री एल्कोहल बनता है NHCH3। एमाइड अगर लेते हैं, देखो एसिड डेरिवेटिव में से अलग से स्टार बना देना, एमाइड लेते हैं तो एमाइड से 1 डिग्री एल्कोहल न बन के 1 डिग्री एमीन बनता है CH2NH2, क्योंकि OH के कंपेयर में NH2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, OH अच्छा लिविंग ग्रुप है NH2 के कंपेयर में, तो OH निकलता है इसमें। बट अगर नाइट्रो है, नाइट्रो एल्केन है, तो उस पर एलाइल एच फोर एनओ टू को एनएच टू बदल देते, इससे भी 1 डिग्री एमीन। बट अगर बेंजीन लगी है, एरल नाइट्रो ग्रुप वाले अगर हैं, जैसे नाइट्रो बेंजीन है, उसमें अगर एल आई एल एच फोर लगाते हैं तो फिर डाई है जो बेंजीन बनती है, ना कि 1 डिग्री एमीन। कुछ और कंपाउंड जैसे एल्केल हैलाइड की बात करें, तो 1 डिग्री एल्केल हैलाइड 2 डिग्री और 3 डिग्री में, 1 डिग्री एल्केल हैलाइड से एल्केन बनता है, 2 डिग्री से भी एल्केन बनता है, एक एच इधर दिया एक एच इधर, HCl निकल गया एच जुड़ जाएगा यहां भी। बट 3 डिग्री एल्केल हैलाइड, ये जो 3 डिग्री एल्केल हैलाइड है, इससे HCl निकल के एल्कीन बन जाता है, तो 3 डिग्री एल्कीन देता है, जबकि 1 और 2 डिग्री एल्केन देते हैं। अब देखो बात आती है कि CHO है, जैसे इधर लिखा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट कर देता है CH2OH में LiLH4। बट यहां तुम देख रहे हैं डबल बॉन्ड भी है, तो हमने कहा था कार्बन कार्बन, यानी ये नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड से LiLH4 नहीं बोलता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे जरूर CH2OH में कन्वर्ट करेगा। हाँ, अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है, इफ द नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, तो फिर इसे भी रिड्यूस कर देगा, मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा, एच इधर दिया जाएगा एक एच इधर, और ये सी एच ओ को तो सी एच टू एच में कन्वर्ट कर देता है, एच एच इधर जुड़ जाएगा, तो सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच टू एच। इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर है अगर, तो ये बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो एक एच इधर दे दिया, तो सी एच थ्री सी एच ओ एच और सी एच थ्री बन जाएगा। हालांकि इसका सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एच भी बनेगा, माइनर प्रोडक्ट है, मेजर यही है। अब सपोज एक हम कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें देखो ईस्टर, ये ईस्टर है सी ओ ओ सी एच थ्री, ये कीटोन है, ये आइसोसाइनाइड है, ये एल्डिहाइड है, हमने एल आई एल एच फोर लगा दिया ईथर की प्रेजेंस में, ईथर ले लिया, तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो ये ईस्टर है, हमने कहा था सी ओ के बगल में अगर सी और एच के अलावा जैसे ओ आ गया तो बॉन्ड ये तोड़ दोगे, एच और एच आ गया तो ये बन गया सी डबल बॉन्ड एच। अब सी डबल बॉन्ड एच भी रिड्यूस हो जाता है, तो अभी ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ये कन्वर्ट सी एच ओ कन्वर्ट हो जाता था सी एच टू ओ एच में। अब कीटोन की आए, तो कीटोन में सी के बगल में सी है तो बॉन्ड यही तोड़ोगे, एच इधर तो बन जाएगा सी एच ओ एच। एन सी का में टूटता था 2 डिग्री एमीन में, एन एच सी एच थ्री देख लेना पीछे, और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम लोग सी एच टू एच में कन्वर्ट कर देते हैं, तो रिडक्शन कंप्लीट कर, जब इसका कंप्लीट रिडक्शन होगा तो ये कंपाउंड बनेगा। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।